हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए आरआरबी स्टाफ नर्स मॉडल टेस्ट पेपर 5 लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी रेलवे के अलावा एम्स, डीएसएसबी, बीएचयू, पीजीआई, रोहतक, जिपमर, वेस्टर्न कोलफील्ड आदि नर्सिंग एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, साथ साथ अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना भी ना भूलिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट है, द मेन सब्सटेंस दैट इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द फिटस इज, फिटस से एक्सक्रिएट होने वाला मेन सब्सटेंस है वो कौन सा होता है? बिलरुबिन, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर टिश्यूज? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिटस से एक्सक्रिएट होने वाला मेन सब्सटेंस होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। सीरीज दी गई है 18, 12, 6, 0 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो -6 होते जा रहे हैं। 18, 12, 6, 0 एंड -6 एंड -12 है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी -6 है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स ऑफ सन, सन का सिनोनिम्स क्या होता है? तो सन का सिनोनिम्स होता है सनी, ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। अगला है, द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इंक्लूड्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है उनके साइड इफेक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ड्राई माउथ, डिफिकल्ट इन मिक्चुरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है। एपिलेप्टिक सीजर, ट्रेमेंट एंड मसल स्विचिंग है, ये भी होता है। स्किन रशेज एंड जॉइंटिस है, ये भी जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है इनका साइड इफेक्ट्स होता है। सोमनोलेंस एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, ये नहीं होता है। मीन्स ऑप्शन ए, बी और सी है ये सही है, और ऑप्शन ए में ये दिए गए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स, प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें क्या क्या शामिल है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इक्विटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रिंसिपल प्राइमरी हेल्थ केयर में इंक्लूड होता है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल है इसमें इंक्लूड होता है, और कवरेज एंड असेसिबिलिटी है ये भी प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में इंक्लूड होता है, अप्रोप्रिएटनेस एंड कंटिन्यूटी है ये प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल नहीं होता है। मींस ऑप्शन ए, बी, सी है ये तीनों राइट होते हैं, और ऑप्शन ए में ए, बी, सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शंस है काम, एज्ड, वियर्ड एंड कूल, तो जो वियर्ड है वो रिलैक्स्ड का विलोम शब्द होता है, एंटोनिम्स होता है, ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड एबिडुएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन बॉडी, वो टिश्यू जो ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइडली और एबिडुएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिजेनियस, मस्कुलर टिश्यू या फिर लिम्फ, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बॉडी में वाइडली एंड एबिडुएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। वॉट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनूला, नेजल कैनूला से ऑक्सीजन की जो फ्लो रेट्स है, रिकमेंडेड फ्लो रेट है वो क्या होती है? 1 to 4 liter per minute, 1 to 6 liter पर मिनट, 4 to 6 liter पर मिनट या फिर 6 to 8 liter पर मिनट। तो फ्रेंड्स, नेजल कैनूला के द्वारा ऑक्सीजन की जो रिकमेंडेड फ्लो रेट होती है वो होती है 1 to 4 liter पर मिनट, ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ कंप्यूटर वर्कर्स, जो कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड वो क्या होता है? कैटरेक्ट, कैंसर, लंग डिजीज या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम, तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये कंप्यूटर वर्कर्स के हाथों में होने वाला मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है, ऑप्शन डी राइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लेथल मेथड ऑफ सुसाइड, सुसाइड करने का मोस्ट लेथड यानी सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक मेथड है वो क्या होता है? रिस्ट कटिंग, टेकिंग पॉइजन, यूज ऑफ गन और ड्राउनिंग, तो जो यूज ऑफ गन है ये सुसाइड करने का सबसे मोस्ट जो लेथल मेथड है ये होता है। बाकी रिस्ट कटिंग, टेकिंग पॉइजनिंग, ड्राउनिंग है इनमें बचने की संभावनाएँ होती हैं, लेकिन यूज ऑफ गन है इसमें बचने की संभावना बहुत ही कम होती है, इसीलिए यूज ऑफ गन है ये मोस्ट लेथल मेथड ऑफ सुसाइड होता है, ऑप्शन सी राइट हो गया। ऑल द फूड आइटम कोजेज कलर टू द यूरिन एक्सेप्ट, सभी जो नीचे दिए गए हैं आइटम्स ये यूरिन के कलर को चेंज कर देते हैं, किसी एक को
छोड़कर। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बेरीज यानी जामुन है ये यूरिन के कलर को चेंज कर देते हैं, बीट्स यानी चुकंदर है ये भी कर देते हैं, कैरेट है ये नहीं करता है, फूड कलरिंग एजेंट है ये भी कर देते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा जो फूड आइटम है ये यूरिन के कलर को चेंज नहीं करता है, तो कैरेट है यहाँ पे ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। कैरेट खाने से यूरिन का कलर चेंज नहीं होता है, बेरीज बीट्स और फूड कलरिंग एजेंट्स है इनके खाने से यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्या है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है टॉक्सॉइड किल्ड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, या फिर ह्यूमन सीरा एंड एनिमल सीरा। तो जो ह्यूमन सीरा और एनिमल सीरा होता है ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज नहीं की जाती है, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अमोंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयड थेरेपी, निम्न में से जो अपने को पहचानना है कि स्टेरॉयड थेरेपी का, अमोंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयड थेरेपी, नीचे दे गए कौन सा जो है स्टेरॉयड थेरेपी का, लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी का इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी का इफेक्ट क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लॉस ऑफ हेयर भी नहीं होता है, लॉस ऑफ वेट नहीं होता है, वेट गेन होता है लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी से, स्टेरॉयड साइकोसिस है ये लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड का अगर यूज किया जाए तो ये इफेक्ट होता है, ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन ए क्लाइंट, किसी क्लाइंट में आयरन की डिफिशियंसी को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट टेस्ट है वो कौन सा होता है। ऑप्शंस है फेरस सल्फेट, सीरम फेरिटिन, सीरम आयरन, या फिर हीमोग्लोबिन। तो किसी भी क्लाइंट में आयरन डिफिशियंसी को डिटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट टेस्ट होता है वो होता है सीरम फेरिटिन, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, लीड वाइडली यूज इन ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, लीड जो होती है धातु वे बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज की जाती है, इसकी सभी प्रॉपर्टीज के कारण किसी एक को छोड़कर। तो लीड है ये लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके कारण सभी बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज की जाती है, एंटी कोरोसिव है इसीलिए भी यूज की जाती है, और मिक्स विद अदर मेटल इजीली, अदर मेटल के साथ इजीली मिक्स हो जाती है इसलिए भी बहुत सारी इंडस्ट्री में लीड है वो वाइडली यूज की जाती है, लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी है इसके कारण नहीं यूज की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो इसकी होती है, एक्सेप्ट लगा है इसलिए ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन केस ऑफ एन्यूरेसिस एंड क्रोनिक पेन, निम्न में से कौन सी जो ड्रग है वो एन्यूरेसिस के केस और क्रोनिक पेन में यूज की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं इमिप्रामाइन, फेनिलेजाइन और सेलेजिनाइन, या फिर बुप्रोपियोन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इमिप्रामाइन है ये एन्यूरेसिस और क्रोनिक पेन के केस में यूज की जाती है, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ए चाइल्ड कैन विदहोल्ड एंड पोस्टपोन हिज बाउल मूवमेंट एट द एज ऑफ, बच्चा है वो किस उम्र पे, कितनी एज पे उसकी जो बाउल मूवमेंट्स है उसको रोक सकता है और पोस्टपोन कर सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 साल 2 साल 3 साल या फिर 4 साल। तो बच्चा है वो 2.5 से 3 साल की जब एज हो जाती है तो अपनी बाउल मूवमेंट्स को विद होल्ड कर सकता है, रोक सकता है और एक बार के लिए पोस्टपोन भी कर सकता है, यानी अपनी बाउल मूवमेंट्स पे कंट्रोल कर सकता है बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द वाइडली यूज्ड मेथड टू कन्फर्म द पोजिशन ऑफ एनजी ट्यूब आफ्टर इंसर्शन, एनजी ट्यूब इंसर्शन के बाद में उसकी पोजीशन को कन्फर्म करने के लिए जो वाइडली यूज मेथड है वो कौन सा होता है। ये सभी मेथड यूज किए जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है वो कौन सा है, एनजी ट्यूब का इंसर्शन कर दिया जाता है उसके बाद में अपने देखते हैं कि ये स्टोपक में प्रॉपर पोजिशन पर है या नहीं, ये चीज़ देखने के लिए जो वाइडली यूज मेथड है वो कौन सा होता है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला। ऑप्शन दिए गए हैं बाई डिपिंग टिप ऑफ ट्यूब इन बाउल ऑफ वाटर, ट्यूब का जो टिप है उसको वाटर के बाउल्स में है वो डुबो के देखा जाता है,
पुशिंग सम एयर एंड एस्कल्टेटिंग, कुछ एयर है उसमें नीडल से पुश करेंगे और उसके बाद में स्टोमक में एस्कल्टेट करेंगे, एक्सरे करेंगे या नन ऑफ दीज। तो जो ट्यूब का जो टिप है उसको बाउल में डुबोकर भी देखा जाता है, एक्सरे करवा के भी देखा जा सकता है, और पुशिंग सम एयर है एंड एस्कल्टेटिंग है ये भी यूज किया जाता है। लेकिन तीनों में जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज किया जाता है, वाइडली यूज मेथड है, वो होता है पुशिंग सम एयर एंड एस्कल्टेटिंग, यानी कुछ एयर है वो नीडल से पुश करते हैं ट्यूब में और उसके बाद में स्टोमक पे एस्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप लगाकर, ताकि आपने देख लें कि जो ट्यूब अपने एनजी ट्यूब इंसर्ट की है वो स्टोमक में है या नहीं। तीनों मेथड यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला है, वाइडली यूज मेथड है, वो होता है ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट हो जाता है, पुशिंग सम एयर एंड एस्कल्टेटिंग। ये हो गए हैं आज के क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, साथ साथ अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। अपने को RRB स्टाफ नर्स के मॉडल टेस्ट पेपर में क्या इंप्रूव करना है, क्या आपको अच्छा लगता है और क्या चीज़ें अपने को ऐड करनी चाहिए, अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, ताकि अपने इस पेपर को और कुछ अच्छा करके आपके लिए यूजफुल बना सके। जल्द ही हाजिर होता हूँ एक नया वीडियो, मस्त वीडियो लेकर। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।